नमस्कार, glibs.in में आपका स्वागत है। बंजारा समाज ने अपने धर्मगुरु सेवालाल महाराज की 279वीं जयंती धूमधाम से मनाते हुए प्रदेश में अपनी एकजुटता दिखाई। गौरतलब है कि अपनी बोली चाली के लिए पूरे देश में अलग पहचान रखने वाला बंजारा समाज अब तक महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित देश के अन्य स्थानों में काफी सक्रिय है। देखिए कोंडा गांव से राम कुमार भारद्वाज की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में समाज को एक मंच में लाने के लिए पहली बार बंजारा समाज ने कोंडा गांव जिले से अभियान की शुरुआत अपने धर्मगुरु की जयंती मनाते हुए शोभा यात्रा निकाल कर की। बंजारा समाज के जिलाध्यक्ष ने कहा कि अलग थलग बिखरे समाज को एकजुट होकर काम करने का प्रयास है, ऐसे ही कार्यक्रमों से समाज आगे बढ़ेगा। वही समाज के प्रवक्ता ने कहा कि समाज का विकास कर आगे बढ़ाना है। संगठन और एकता ही समाज की सबसे बड़ी ताकत है। हमारे कोंडा गांव जिला में संत सेवालाल महाराज की जयंती मनाया गया और इस जयंती में हमें बहुत ज़्यादा अपार भीड़ की उम्मीद नहीं थी, लेकिन इतना भीड़ हुआ कि हम लोग संभाल नहीं पाए, अपार भीड़ हो गया। और ये जो पर्व है, ये पर्व मनाने के लिए हमारे बंजारा समाज इतना उत्साहित होंगे, मेरे को उम्मीद नहीं था, जितना हर्षोल्लास के साथ पूरा उमड़ पड़े। और जैसे कि मेरे को पूरा उम्मीद है कि ये छत्तीसगढ़ में पहली बार ये पर्व मनाया गया, आने वाले साल में मेरे को लग रहा है इससे और बहुत अधिक मतलब उत्साह के साथ लोग बाग मनाएंगे और इसमें हमारे समाज के भाई लोगों में एकता बढ़ती जा रही है, एक दूसरे से परिचित हो रहे हैं, जो अलग थलग बिखरे पड़े थे सब एक में जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से परिचय हो रहे हैं। अब इससे संगठन बढ़ेगा, समाज भी आगे बढ़ेगा, ये मेरा उम्मीद है। ये हमारा जो सेवालाल जयंती वार्षिक है, इस जयंती के माध्यम से बिखरे हुए समाज को हमको एक जोड़ना है। जोड़कर जब तक हम समाज को संगठित नहीं करेंगे, एक संगठन को रूप देने के लिए जयंती के माध्यम से जोड़ेंगे, उसके बाद समाज का विकास तभी संभव होगा जब हम सब संगठित होंगे बंजारा समाज के लोग। और इस जयंती के माध्यम से हम चाहते हैं कि संगठन से बड़ा ताकत और कुछ नहीं होता। संगठन के माध्यम से जो निचले तबके के लोग हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनको कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दूर दूर तक नहीं मिलता है, इस संगठन के माध्यम से जो हैं हम हमारे उन लोगों तक हमारे लोगों को विकास की गति से जोड़ेंगे, जो जयंती के माध्यम से संगठन में एक रूप एक विकास की गति को लाएंगे। और साथ ही साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और जितनी भी योजनाएं हैं शासन की, उन योजनाओं को हमारे उन लोगों तक पहुंचाने का एक हमारा जो ये आज का जो सम्मेलन है, संगठन के माध्यम से करने का प्रयास किया जा रहा है। धर्मगुरु की जयंती के जरिए समाज को एक सूत्र में बांधने की कोशिश समाज की एक नई दिशा और दशा तय करेगी और बंजारा समाज देश के विकास में अपनी सहभागिता निभाएगा। हाय, मैं हूँ जावेद अली और glibs.in को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। वन नेशन वन इलेक्शन।